तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके वो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर और वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है जी हाँ, तो उसके चलते ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि यहाँ तो जिसके आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर अपने वीडियो का लिंक अपने वॉच टाइम स्टूडियो के अंदर पेस्ट कर देते हैं तो 100% आपका यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ने लगेगा, यानी कि अपने वीडियो का इंप्रेस आपका बढ़ेगा तो आपका व्यूज भी बढ़ेगा और वहाँ से आपके यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा जी हाँ। तो उसके चलते मैं बताने वाला कि आपको क्या करना है, कौन सा टिप लगाना है, किस तरह से आपको वॉच टाइम स्टूडियो के अंदर अपना लिंक अपने वीडियो का लिंक पेस्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका था। मैं तो उस वीडियो पे हमारे देखिए कितना सारा व्यूज आया हुआ, कितना हमारे को सब्सक्राइबर गेन हुआ है। तो चलिए वीडियो में स्टार्ट करो बिना किसी की देरी के। अपने मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पे हमने यहाँ पे देख सकते हैं, हमने अपने मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पर अनलॉक किया है। अनलॉक करने के बाद आपको देखना है कि वाइट एड यहाँ पर मैंने क्लिक किया। जैसे वाइट एड क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देते हैं कि एल एड्रेस पर मैंने क्लिक किया। एल एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे इस वीडियो पर कितना व्यूज आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 1000+ व्यूज इस पर आया हुआ है और इसका ग्राफ देखिए ऊपर के साइड में भागता ही जा रहा है। इस पर हमको वाट टाइम कितना मिला है, 2400 घंटे का वाट टाइम मिला, 8+ सब्सक्राइबर कंप्लीट देखने को मिला है। जैसे तो आपको इस तरह से अपने वीडियो का जो आप देखते हैं हमारे वीडियो पर व्यूज कहाँ से आया है, यूट्यूब रिकमेंड सेंटर से। ये तो यूट्यूब रिकमेंड सेंटर से हमारे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आया हुआ है। और इस पर मैंने एक बार क्लिक करता हूँ, देखिए इस पर देखिए 2100 इस पर व्यूज आया हुआ है। और इसका व्यूज कहाँ से आया हुआ है हमें देखिए यूट्यूब रिकमेंड सेंटर से ही व्यूज आया हुआ है। और इस पर 17+ सब्सक्राइबर हमको देखने को मिला। इस तरह से आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ेगा। यह तो देखिए यहाँ पे हमारे चैनल औसत कितना 91% है। यह तो 91% 97% हमारे चैनल का टाइटल लिखा हुआ है, परसेंटेज है। तो मेरे तो इस तरह से आपको अपने यूट्यूब चैनल का व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे मेरे तो उसके लिए फुल डिटेल में वीडियो को वॉच करना चाहिए। 100% आपका शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो वायरल होके ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको अपने वीडियो जो वीडियो आपको पब्लिक करना है उसी वीडियो को आपको लिंक को कॉपी करके अपने YT स्टूडियो के अंदर आपको पेस्ट कर देना है। जी हाँ, तो जैसे कि आपको क्या करना है, फिर आपको बैक जाना है, आपकी वो YouTube को क्लिक करना है। जैसे YouTube क्लिक करेंगे तो YouTube सेक्शन आपका यहाँ पर ओपन हो गया है। तो जो वीडियो आपने अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को आपको पहले फेड कर लेना है। जैसे आपको इस अपने लोगों पर क्लिक करना है और लोगों पर क्लिक करने के बाद अपने चैनल को देख लेना है। जिस चैनल पर आपको वीडियो को अपलोड करना है उसी चैनल को आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे चैनल देखे पर क्लिक करना है। जैसे चैनल देखे पर क्लिक करेंगे तो ये है आपका वीडियो, यहाँ पे आपका सारा वीडियो यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस वीडियो का लिंक को कॉपी करना है तो यहाँ पे 3 रुपये क्लिक करना है और वीडियो शेयर पे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक यहाँ पे लिंक कॉपी करें, लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के आपको YT स्टूडियो के अंदर कहाँ पे पेस्ट करना है वो भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा आपको बैक जाना है और अपनी मोबाइल की स्क्रीन को अनलॉक कर लेना है, यानी कि क्रोम ब्राउज़र को आपको ऑन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र पर मैंने क्लिक किया, जैसे क्रोम ब्राउज़र हमारा ओपन हो रहा है। जैसे आप क्रोम ब्राउज़र को ऑन करेंगे तो ये जैसे यहाँ पे आपका क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पे डेस्कटॉप मोड साइट पर ऑन कर लेना। जैसे youtube.com लॉगिन हमने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो ये हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ पे आ गया है। आ जाने के बाद आपको यहाँ पे लोगों के पास साइड में दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पे देखना है अपने इस चैनल को youtube.com साइट पे ओपन कर लेना। जैसे youtube.com साइट पर हमारा डेस्कटॉप मोड साइट पे हमारा चैनल ओपन हो रहा है। जैसे आपका चैनल ओपन हो जाएगा मैं तो जैसे आपका चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा है तो ये लोगों पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना, आपका चैनल पे क्लिक करना है। जैसे आपका चैनल पे क्लिक करेंगे तो इधर से हमारा आपका चैनल ओपन हो गया है और कस्टम चैनल पे क्लिक कर देना है। जैसे कस्टम चैनल पे क्लिक करेंगे तो ये आप जो YT स्टूडियो से होते हुए आपका क्रोम स्टूडियो ओपन हो रहा है। इसी के अंदर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक को पेस्ट करना है। कैसे पेस्ट करना है वो भी आपको ध्यान से देखना है मेरे को, तभी आपके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर और वॉच टाइम बढ़ेगा और व्यूज भी बढ़ेगा। जी हाँ, तो जैसे कि आपको बताता हूँ यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जगह साइड सेटिंग का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये वीडियो यूट्यूब रिक्वेस्ट सेंटर में ही चला जाएगा। यूट्यूब रिक्वेस्ट सेंटर में आपका वीडियो चला जाएगा तो उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आएगा और ज़्यादा सब्सक्राइबर देखने को मिलेगा। अब चैनल की सेटिंग पर क्लिक करना, सामान्य जानकारी बेहतर और सुविधा यानी एडवांस सेटिंग। तो थोड़ा सा जूम करते हैं मैं तो, अब यह देखिए मैं तो मैं थोड़ा सा और जूम करते हैं और यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का लिंक को यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना। जैसे मैंने पेस्ट किया फिर एंटर कर दिया, आप देखिए यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पे आ गया है। तो आपको इस तरह से अपने यूट्यूब चैनल का लिंक को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। जब आप सेव कर देंगे तो ये वीडियो आपका यूट्यूब रिकमेंड सेंटर में ही चलेगा क्योंकि चैनल के सेटिंग में आपने डाल दिया है। उसके बाद अपने वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो 100% वीडियो पे ज़्यादा व्यूज देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।